सो व्हाट्स अप गाइस, अगर आप भी ऐसे इरेज करने वाला फोटो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको चार स्टेप में कुछ इस टाइप की बवाल सी फोटो एडिटिंग सिखाया है और एक ऐसा टिप्स बताया है जिससे आप वन क्लिक में अपनी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं स्नैपसीड ऐप में ही। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको स्नैपसीड ऐप को ओपन करके सिंपल से प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप अपनी फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। तो आपका भाई इस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप भी अपनी फोटो को कर लीजिएगा और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल फोर स्टेप में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में गाइस आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करिएगा। देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद आपको ऊपर साइड में ट्यून इमेज के ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। देन दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग को अप्लाई करना होगा जिसे आप बहुत ही ध्यान तरीके से देखिएगा। तो ऐसे आप नीचे आइएगा और नीचे आके इसकी सैचुरेशन को हम लोग पूरा ऐसे -100 कर देंगे। देन दोस्तों थोड़ा सा ऊपर आके इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके ना +24 रख देंगे। देन दोस्तों ये सेटिंग आप लोगों को कर लेने के बाद नीचे साइड में राइट क्लिक कर दीजिएगा। देन दोस्तों आप राइट जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की आपकी पूरी फोटो ना ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाएगी। अभी हम आपको आगे चल के बताऊंगा कि हम लोगों ने फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट क्यों किया है। तो इससे पहले गाइस मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन व्यू एडिट के ऑप्शन और ट्यून इमेज पे क्लिक करके ब्रश को लेके ना गाइस इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, शायद यहाँ से 0 मिल जाएगा। फोटो को ऐसे जूम करके आप अपने केवल स्क्रीन पे से इस वाले इफेक्ट को गाइस ऐसे रिमूव कीजिएगा। एक बार मैं और बता दूं कि केवल आपको अपने स्क्रीन पे से ही रिमूव करना है। तो मैं फटाफट से ऐसे हटा के फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। देन दोस्तों आप लोगों को ऐसे कर लेने के बाद नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ से बैक आना होगा और बैक आने के बाद कुछ इस टाइप की आपकी फोटो देखने को मिलेगी। और आपका भाई एक बात और ही आपको बता दे कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बैकग्राउंड नहीं चेंज करने वाले हैं, बिल्कुल आप लोगों को नेचुरली जैसा लगेगा कि बैकग्राउंड चेंज है। तो उस टिप्स को मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। तो पेंसिल के आइकन पे गाइस हम लोग क्लिक करेंगे और ऊपर साइड में कर्व के आइकन पे क्लिक करके और यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिलेगी। तो पहले नंबर वाले पे क्लिक करके रेड कलर को सिलेक्ट करके कर्व लाइन को बीच से पकड़ के इसे पूरा हम लोग नीचे कर देंगे। अगेन इसी कलर्स के आइकन पे क्लिक करके ब्लू कलर को लेके कर्व लाइन को बीच से पकड़ के पूरा नीचे करके और राइट क्लिक कर देंगे और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करके व्यू एडिट के ऑप्शन और कर्व पे क्लिक करके ब्रश को लेके गाइस साइज यहां से 100 मिलेगा। 100 मिल जाने के बाद फोटो को जूम करके आप अपने जो ये वाला लेयर है ना कपड़े पे, केवल इसे पे हमें ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। आप अपने कोई भी कपड़ा आप पहने होंगे उस पे आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा और ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फेस को कैसे अच्छे तरीके से स्मूथ करके अच्छे से मतलब व्हाइट करना है, तो ये भी प्रोसेस आप जान लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं बैकग्राउंड को मतलब बताने वाला हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। देन दोस्तों आप लोगों को ऐसे ड्रॉ कर लेने के बाद नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ से बैक आना होगा और बैक आने के बाद कुछ इस टाइप की फोटो आपकी देखने को मिलेगी। तो गाइस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट वाले पे क्लिक करके आप अपने फेस को ऐसे सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को इंक्रीज करके नीचे आके सैचुरेशन को डिक्रीज कर दीजिएगा। आप ये प्रोसेस गाइस वहां वहां कीजिएगा जहां जहां पे आपका स्क्रीन डार्क है। तो कर लेने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिएगा और करने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। तो गाइस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और ऐसे नीचे आके ना पोर्ट्रेट वाले पे क्लिक करके और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक स्मूथ टू जो है सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से हम लोग राइट क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप राइट क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की आफ्टर बिफोर आपकी फोटो देखने को मिलेगी। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं अब कि कैसे आप अपने बैकग्राउंड को बिना चेंज किए मतलब बदल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही शानदार टिप्स है। तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा। तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐसे पूरा नीचे आइएगा, डबल एक्सपोजर के आइकन प्लस के आइकन पे क्लिक करके इस वाले बैकग्राउंड को आपको ले लेना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेने के बाद आप लोग के सामने नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो बीच वाले पे क्लिक करके यहाँ से ओवरले करके और इसकी ऑपोसिटी वाले पे आके ऑपोसिटी को थोड़ा सा आप यहाँ से कम कर लीजिएगा, बहुत ही कम थोड़ा सा, और कर लेने के बाद यहाँ से गाइस राइट क्लिक कर लीजिएगा और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन व्यू एडिट के ऑप्शन और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को ले लेंगे। इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, साइज यहाँ से हम लोग 0 करके फोटो को ऐसे जूम करके आप अपने स्क्रीन पे से गाइस स्क्रीन
और आपका जो ये कपड़े का कलर हम लोगों ने चेंज किया इस पे से हम लोग ऐसे हटा लेंगे। तो मैं पूरे अपने स्क्रीन पे से हटा लेता हूँ फटाफट से। गाइज ऐसे आपको कर लेने के बाद राइट क्लिक करके आपको यहाँ से बैक आना होगा और पेंसिल के आइकन पे अगेन क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर प्लस के आइकन, बटरफ्लाई पीएनजी को लेके इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट करके बीच वाले पे क्लिक करके ऐड क्लिक करके राइट क्लिक कर लीजिएगा और कुछ इस टाइप की फोटो आपकी मिलेगी। तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐसे ऊपर आइएगा, ट्यून इमेज के ऑप्शंस पे क्लिक करके नीचे आके इसकी सैचुरेशन को ऐसे आप इंक्रीज करके और इसकी अम्बाइंस की वैल्यू को इंक्रीज कर लीजिएगा, कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज करके राइट क्लिक कर लीजिएगा और जैसे ही ये प्रोसेस कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की आपकी शानदार पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी जो देखने में काफी औसम एंड फारसी दिख रही है। तो काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने एडिटिंग कर लिया है। फोटो को सेव करने के लिए डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके सिंपल सेव कर देंगे और आप लोगों का फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।